तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हमारे पहले दिन काउंसलिंग डे का, जिसमें हमारे 28 दिसंबर की बैच लगी है। और इस वीडियो में फॉर्म प्रोसेसिंग, जो एडमिशन से प्रोसेस होता है, वो प्रोसेसिंग यहाँ पे आपको दिखाई गई है। यहाँ पे आपको पहले दिन की कुछ इनको एक डेमो क्लास, आप बोल सकते हैं काउंसलिंग क्लास दी गई है, जहाँ पे इनको बताया गया है कि क्या सिलेबस होगा, कैसा डिसिप्लिन होगा, कैसा टाइमिंग होगा, सारी चीज़ यहाँ पे इनको बताई गई है। और उस बताने के बाद भी इनको एडमिट किया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर सभी लोगों से एक वादा किया गया है कि 30 तारीख को इनसे पावर आईसी लगवाएंगे और 31 तारीख को इनसे लाइव 4G CPU लगवाएंगे। और इसके साथ में आगे जाके तो बहुत लंबा सफ़र है इनके साथ, एक महीना खूब मेहनत करना है। और कमेंट पे इनको बेस्ट ऑफ लक जरूर कहें। और इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि हमें भी जोश बना रहे। अगले दिन अगर आपको इनको देखना है इनका आउटपुट, तो आप कल के दिन कल की क्लास आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आप व्हाट्सएप फेसबुक पर जाइए और एसर टेलीकॉम को सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। और रात के 8 से 9 के बीच में ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर हम इनका आउटपुट ज़रूर दिखाएंगे कि जो भी इनको सिखाए हम इनसे पूछने वाले, भैया कितना सीखे, क्या सीखे, किस लेवल पर सीखे। तो ये ज़रूर देखिएगा अगर आप एसर टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा सुनहरा भविष्य चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए कि यहाँ पर 30 तारीख को ध्यान रखना, 30 तारीख को कौन कौन लाइव पावर आईसी लगाएगा, वेरी गुड। मुझे बताओ 31 तारीख को कौन कौन 4G लाइव पावर सीपीयू लगाएगा। कंपोनेंट से लेकर एमएमसी का सफर, कौन कौन ब्लैक पेस्टेड बोलेगा, सर मेरे पास एक भी ऐसा साइट नहीं जिसका ब्लैक पेस्टेड निकाला नहीं, कौन करेगा, वीवो हो या वन प्लस, तुम कोई सा भी लाओ। लास्ट ड्यूएल लेकर कौन करके जाएगा, तो इससे हो सकता है डिस्प्ले डैमेज हो जाए, क्योंकि डिस्प्ले इसके लिए प्रोग्राम नहीं। सो डैमेज हो रहा है, आप डिस्प्ले लगा रहे हो, कॉम्बो चेंज कर रहे हो, डिस्प्ले डैमेज हो रहा है, और यहां तो ये आए तो क्या करेगा, तो ये इतना अतिरिक्त वोल्टेज ध्यान दो 0.8, तो कितना पॉइंट बचा, माइनस करो 0.5 वोल्टेज को ये कहां डाल देगा बताओ, किस लाइन पर डाल देगा, आउटसाइड लाइन, और आउटसाइड लाइन से कैपेसिटर को ग्राउंड कर देगा। तो ले देकर वो आपको यहां पर केवल कितने वोल्टेज देगा, जितना उसको जरूरत है, और जो अतिरिक्त वोल्टेज है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, वो उसका आउटसाइड कर देगा। इसको बोलते हैं आउटसाइड रेफरेंस लाइन। ये थोड़ी भी हीट पे पिघल जाते हैं, क्या है? हम पूरा कनेक्टर निकालना सीखेंगे। ये देखो, ये जो अभी की डेट में ये इस तरह के ऑन ऑफ की आ रही है, दिख रही है यहां पर आपको, ये एंटीना पैड जैसी, ये ऑन ऑफ की है, इसमें ऑन ऑफ भी है, वॉल्यूम भी है और वॉल्यूम डाउन भी है, मतलब यहाँ कनेक्टर्स के अलावा ये इस तरह का काम करते हैं और कहीं कहीं फ्लैक्स केबल का काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर हमने देखा सिम कार्ड, एसडी कार्ड, फिर ये क्या बताइए, टेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, वहां पर छोटे छोटे गोले। सर आप कहेंगे सर किसी गोलों में लिखा होता है, किसी पर नहीं लिखा होता है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस पर नहीं लिखा उसको हमें समझना है कि वो क्या है, और उसको समझना आना चाहिए। जिस पे लिखा है कि बी बस तो हम समझ गए, पर जिस पे नहीं लिखा है उसको ढूंढना हमें आना चाहिए, जिसके लिए हम यहां बैठे हुए। फिर बाद में ये क्या है बताइए, एंटीना पैड, एंटीना पैड होते हैं आपके इस तरह के एंटीना पैड, देखिए जो आपके फोनों में एंटीना के रूप में नेटवर्क सेक्शन पे लगे होते हैं, ये एंटीना पैड जो लगा हुआ है ये नेटवर्क की एक आईसी पे लगा हुआ है, DRX, जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू रिसेप्शन आईसी, जो नेटवर्क में आज तक कोई नहीं बता पाया। DRX एक ऐसी आईसी है नेटवर्क की, मेरे भाई,
कि अगर वो खराब हुई तो तुमने तुम WTR बदलो, SDR बदलो, तुम PFO बदलते रह जाओगे, CPU रिमूवल, पावर, सब कुछ, नेटवर्क नहीं आएगा। ये कमांड जो प्रोटोकॉल है ये पावर के अंदर भी जाते हैं, इसलिए फोन चालू नहीं होता है। अगर तुम्हारे फोन में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, पर क्या नहीं आ रहा है, तो CPU खराब हो चुका है सर, CPU चेंज करना पड़ेगा तो ही ग्राफिक्स चलेगा। इसे सर मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका CPU निकालना है। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाली सिम में।